दोस्तों हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को लेकर एक डिटेल रिपोर्ट आप ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट टीवी पर देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने बताया था कि कौन सी ऐसी नोटिफिकेशन है जिसके जरिए इसको कंपलसरी कर दिया गया है और कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसके ऊपर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है और गाड़ियों के चलान भी हो रहे हैं। लेकिन आज की इस खास एक ग्राउंड रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे कि HSRP का जो खेल है इसके अंदर कितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है और HSRP लगाने के लिए सरकार क्यों बजद है, ये सरकार भी और इससे पिछली सरकारें भी क्यों कह रही हैं कि गाड़ी पर जो है HSRP प्लेट ज़रूर होना चाहिए, और क्या जो उनका मोटिव है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जिस वजह से वो लगवाना चाहते हैं HSRP तमाम गाड़ियों के ऊपर, क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, और अब नया ऐसा क्या है इन प्लेट्स के अंदर कि दोबारा से जो सरकार है वो दबाव बना रही है लोगों के ऊपर, कह रही है कि आपके पास चाहे दो पहिया वाहन हो या फिर ट्रक हो, आपको ये HSRP प्लेट्स अपनी गाड़ी पर लगवानी पड़ेंगी। तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है, 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा, इसलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पूरे देश के अंदर जो है कितने वाहन है समय जिनके ऊपर HSRP लगनी है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगनी है। देखिए अगर हम सीधा सिंपल गूगल करें तो ये डेटा सामने आता है कि 2017 तक देश के अंदर 25 करोड़ वाहन रजिस्टर हैं, उसके अंदर दो पहिया वाहन, प्राइवेट कारें, टैक्सी, बसेस, ट्रक, तमाम तरह, तीन पहिया वाहन भी बीच में शामिल कर ले, तमाम जो हैं वो 25 करोड़ के आसपास वाहन हिंदुस्तान के अंदर रजिस्टर हैं। और 2017 के बाद अगर हम लगा लें तो 5-6 करोड़ वाहन और बिके होंगे, अगर 2 करोड़ पर ईयर की हम एवरेज पकड़कर चलें तो मोटा मोटा 30 करोड़ की एक फिगर सामने आती है कि इतने वाहन आज की डेट में रजिस्टर हैं। लेकिन बहुत से ऐसे वाहन भी होंगे इन रजिस्टर्ड वाहनों से जो कि अब कंडम हो चुके हैं और जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करवाई गई। कई बार घर में गाड़ी खड़ी रहती है, ना उसे कोई चलाता है, ना उसे बेचा जाता है, ना उसे कबाड़ किया जाता है, तो ऐसे अगर वाहनों को भी हम निकाल दें इन 30 करोड़ वाहनों में से तो भी अगर एक मोटा मोटा 20 या 25 करोड़ का हम फिगर एक लेकर चल सकते हैं। अगर हम 20 करोड़ भी मान लें और ये मान लें कि एक वाहन के ऊपर जो HSRP की प्लेट लगने की कॉस्ट 500 रुपये एवरेज मान लें, क्योंकि जो दो पहिया वाहन है, टू व्हीलर्स हैं, उसकी कॉस्ट शायद 300-400 के बीच में है, और अगर जो ट्रक की मान लें तो उसकी 1000 रुपये तक चली जाती है, हर स्टेट के अंदर अलग रेट है, तो हम फिर भी एक कम वाली साइड एवरेज लेके चलते हैं कि 500 रुपये की कॉस्ट लगा लें एक गाड़ी के ऊपर खर्चा HSRP प्लेट का, और 20 करोड़ गाड़ी मान ली हमने के है देश के अंदर इस समय, तो ये जो फिगर है वो 10,000 करोड़ रुपये बनती है, यानी कि आपकी जेब में से तो 400-500 हज़ार रुपये गया, लेकिन कंपनियों के पास जो भी इस धंधे में है उनके पास में एक ही बार में 10,000 करोड़ रुपये पहुंच गया, और ये नंबर प्लेट टूटेंगी भी, खराब भी होंगी, रिप्लेस की जाएंगी, तो वो जो धंधा है वो तो अलग से चलता ही रहेगा ताउम्र, जब तक ये नंबर प्लेट्स सरकार की तरफ से वैलिड है तब तक वो चलती जाएंगी, वो एडिशनल कमाई है, हर साल 2000 करोड़ 4000 करोड़ वो अलग से मिलता रहेगा। ओवरऑल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है, ये तो एक पक्ष है इसके बिजनेस एंगल का। इसको लेकर कुछ पटिशनर दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंच गए, उन्होंने एक PIL भी डाल दी है, उन्होंने एक और मुद्दा इसको लेकर उठाया है कि कितनी मुनाफाखोरी इसके अंदर हो रही है। 10,000 करोड़ तो चलो मान लेते हैं कि बहुत बड़ा देश है और प्लेट लगाने की कॉस्ट भी है, जो कंपनी लगाएगी उसको थोड़ा बहुत मुनाफा भी चाहिए, बात समझ में आती है, लेकिन थोड़ा बहुत मुनाफा या बहुत ज़्यादा मुनाफा वो भी अब एक देखने वाली बात है। जो पटिशन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर डाली गई है उसके अंदर दो बिंदुओं पर बात की गई है। पहला मुद्दा तो ये उठाया है कि इसका लगाने का प्रोसीजर सही नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों को आ रही है, जिन वेबसाइट्स का जिक्र किया गया है वहाँ पर भी सही से सर्विस नहीं मिल रही है। अब मान लीजिए दो चीज़ें हो रही हैं असल में, एक HSRP है और दूसरा कलर कोडेड स्टिकर भी है, कलर कोडेड स्टिकर की तो हमने बात ही नहीं करी उस 10,000 करोड़ में, वो भी उसमें दिक्कत ही आ रही है कि किसी की जो कारी में पहले ही HSRP लगी हुई है, कलर कोडेड स्टिकर लगवाना है तो उसको दिक्कत आ रही है, उसको कहा जा रहा है कि आप दोनों चीज़ें लगवाओ, या किसी की मान लीजिए फ्रंट की जो प्लेट है वो टूट गई है, पीछे वाली ठीक है, तो उसे बोला जा रहा है कि आप दोनों लगवाओ, तो ये एक अलग से समस्या है, इसको लेकर भी उठाया गया है मुद्दा ये पटिशन के अंदर। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो क्या है,
पिटिशनर ये कह रहा है कि कलर कोडेड स्टिकर का प्राइस नोटिफाई किया है सरकार ने खुद 12 रुपए 15 पैसे, लेकिन जो कस्टमर को पैसे लग रहे हैं, जो वाहन मालिक को उसके खर्चा करना पड़ा कलर कोडेड स्टिकर का, वो है 141 रुपए। जी हाँ, 12 रुपए 15 पैसे की चीज 141 रुपए मिल रही है, डिफरेंस है 129 रुपए। अगर हम इसको, उसने जो डेटा दिया पिटिशनर ने खुद, 35 लाख वाहन उन्होंने कहा है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली की अगर बात करें 129 रुपए जो मुनाफा है, जो डिफरेंस है, गुना करें 35 लाख से, तो ये 45 करोड़ रुपए बनता है। जी हाँ, 45 करोड़ रुपए का मुनाफा, या मार्जिन कहें, अगर पूरा मुनाफा नहीं तो मार्जिन कहें, 45 करोड़ रुपए का सिर्फ दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली के अंदर। पूरा देश आप मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर पर जीरो खत्म हो जाएंगे आपके। तो 45 करोड़ सिर्फ कलर कोडेड स्टिकर में। उसके बाद HSRP का पिटिशनर बता रहा है कि 213 रुपए प्राइस नोटिफाइड है, सरकार ने खुद तय किया, और मिल रहा है लोगों को, RTO दफ्तरों से मिल रहा है, 991 रुपए प्राइस है इसका वसूला जा रहा है, और 770 रुपए का डिफरेंस है। 35 लाख से आप इसको गुना करें, 272 करोड़ रुपए बनता है। तो अगर हम जोड़ मार लें दोनों का, कलर कोडेड स्टिकर और HSRP का जो मार्जिन लिया जा रहा है प्राइवेट जो वेंडर्स हैं उनके द्वारा, तो सिर्फ दिल्ली के अंदर 317 करोड़ रुपए का है। तो आप गेम समझ लें कि कितनी बड़ी है, यही हम इस रिपोर्ट में कहना चाह रहे हैं। और ये भी हैरानी की बात है कि अगर ये प्राइस नोटिफाई किया गया है तो किसकी हिम्मत है भाई इतना बड़ा मुनाफा लेने की। 213 रुपए की चीज़ के ऊपर 770 रुपए आप ऊपर मुनाफा लेंगे या मार्जिन लेंगे, और 12 रुपए की चीज़ के ऊपर 141 रुपए, और तमाम ये जो स्टिकर वगैरह लग रहे हैं HSRP, और आधे से ज़्यादा तो ये RTO ऑफिस के ज़रिए लग रहे हैं, तो वहाँ पर भी अगर मुनाफाखोरी नहीं रोक पा रही सरकार, तो फिर कहाँ पर रोकेगी। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं उस सवाल के ऊपर जो मैं शुरू में कह रहा था कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या है। अगर आपको याद हो, आज से 20-25 साल पहले जो हमारी नंबर प्लेट्स होती थी गाड़ियों की, वो पेंट हुआ करती थी, पेंटर होता था हर छोटे शहर में, वो पेंट करता था, उसको भी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी उससे, 10-20 रुपए मुझे लगता है वो लेते थे, 50 रुपए लेते होंगे, तो दोनों जो नंबर प्लेट्स आपकी वो पेंट हो जाती थी, चाहे ट्रक की है चाहे वो बाइक की। लेकिन उसके बाद फिर दौर आया कि रेडियम टेप से लिखा जाने लगा, पेंटर चले गए, टेप्स आ गई। अब उसमें दिक्कत क्या थी कि हर कोई अपने स्टाइल में लिखवाता था, फॉन्ट साइज का भी फर्क रहता था, फॉन्ट स्टाइल का भी फर्क रहता था, फिर साथ में अपना नाम घुसेड़ देते थे लोग, या अपना सरनेम घुसेड़ देते थे, छोटा छोटा लिख देते थे, तो उससे किसी कोई वारदात कोई हो जाती थी, कोई एक्सीडेंट हो जाता था, उसमें नंबर पढ़ा नहीं जाता था। तो एक तो बेसिक एक रिक्वायरमेंट थी कि स्टैंडर्डाइजेशन, देश के अंदर जितने भी वाहन हो उसको जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको लिखने का एक तरीका होना चाहिए। ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी जिसके लिए ये HSRP लाएगी। दूसरा जो बड़ा कारण था, जो असली कारण था, वो इसके नाम से जाहिर होता है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। रजिस्ट्रेशन प्लेट तो पहले भी थी, हाई सिक्योरिटी के ऐसी प्लेट जो आपकी गाड़ी को सिक्योरिटी प्रदान करेगी, ये इसका टारगेट था। और ये भी साथ में बता दूं कि HSRP का इस्तेमाल विदेशों में होता है, जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर उनकी नंबर प्लेट्स, रजिस्ट्रेशन प्लेट में HSRP कह सकते हैं उनको। वो दो काम करती है, एक तो ये जल्दी जल्दी जो है आप घर में तैयार नहीं कर सकते, आप किसी पेंटर से, गली का जो पेंटर है या आपके शहर में, उससे तैयार नहीं करवा सकते हैं, तो एक स्टैंडर्डाइज्ड, एक ऑथराइज्ड एजेंसी ही इसे बनाएगी। दूसरा, इसके अंदर एक चिप होती है, फॉरेन में तो इसका इस्तेमाल होता है, कनाडा US के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए वहाँ पर नाके लगाकर हर गाड़ी को रोक के कागजात चेक करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वहाँ पर क्या होता है कि साइड में इंटरसेप्टर गाड़ी खड़ी है, सड़क गाड़ियाँ गुजर रही हैं तेज स्पीड से, हर गाड़ी में जो उनके HSRP प्लेट है उसके अंदर एक चिप है, और वो चिप इनका कैमरा स्कैन कर रहा है, इंटरसेप्टर गाड़ी उस सारी जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है उनके ऊपर उसका ध्यान होता है। तो साथ के साथ उनके मॉनिटर में उसकी सारी डिटेल भी आती रहती है कि इसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, या इसने फिटनेस नहीं करवाई है, या इसके जो बंदा चला रहा है उसका, उसने टैक्स नहीं भरा है, या ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर है, वो तमाम जानकारी उस चिप से, उसकी हाई HSRP प्लेट से उनको मिलती है। जो गाड़ी उनको लगती है कि रेड है भाई, इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है, तो उसके पीछे वो अपनी गाड़ी लगा लेते हैं, फिर उसी को रोका जाता है और उसका चालान किया जाता है। ये सिस्टम होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे देश में भी अगर ऐसा ही हो कि सिर्फ जिसकी गलती है उसी रोका जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि HSRP अभी नहीं आई है, कोई 2020-21 की बात नहीं है, 2012 से आई है, मैंने पिछली रिपोर्ट में भी पूरी डिटेल में बताया था। उस समय पूरे देश के अंदर लगवाया गया, सारे देश को लाइन में लगवा दिया गया, पैसे लिए गए इसी तरीके से, आप समझ सकते हैं कितने हजार करोड़ का ये काम है। जिसने पैसा कमाना था वो कमा के निकल गया। उसके साल दो साल बाद ऐसी रिपोर्ट्स आईं, आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसके अंदर भी कहा गया कि HSRP जो प्लेट्स लगाई गई थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो उस चिप को, चिप तो लगा दी गई, उसको रीड करने के लिए लेज़र डिटेक्टर कैमरा चाहिए थे, वो है ही नहीं भारत के अंदर।
और इम्पोर्ट भी नहीं किया गया, वो लगा दी, वो आसान काम कर दिया, पहले लोगों को चिपका दो, पैसे ले लो और उसको चेक कैसे करना है वो बाद में सोचेंगे। तो वो कैमरे कभी आए ही नहीं, इसीलिए उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद ये बोल दिया गया कि ये तो बहुत सांठ गांठ का मामला था, इसमें तो घपला हो गया, अब जो मर्जी प्लेट लगा लो जी आप। ये एक दौर चला कई साल बीच में। अब जाकर दोबारा से कोर्ट्स और जो सरकार है वो हमारी जागी हैं, दोबारा से नोटिफिकेशन जारी हुई है कि नहीं नहीं लगवाओ इसको। तो पॉइंट ये है जो मैं रेज करना चाहता हूँ कि जिस वजह से ये HSRP सिस्टम पहले फेल हो गया, एक बार आपने हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा भी कर लिया या खर्चा करवा दिया लोगों का, अब दोबारा से लेके आ गए हो, तो क्या इस बार सुनिश्चित कर लिया है कि अब HSRP प्लेट जब लग जाएंगी देश में उसके बाद कोई गाड़ी चोरी नहीं होगी? क्योंकि मुद्दा तो यही है ना कि सिक्योरिटी देनी है गाड़ी को, कि हर जगह ये प्लेट मिलेगी नहीं, इसलिए जब गाड़ी बंदा चोरी करता है तो अब क्या है कि किसी का भी नंबर लगा लो, या फिर राजस्थान के अंदर आपको ओवरलोड लेना है तो आप किसी स्कूटर का नंबर ट्रक पे चिपका दो, तो ये काम खत्म हो जाएगा। ये कदम जो पहले HSRP आपने करा था उससे तो खत्म हुआ नहीं, उससे पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए देश से कि आपको बिना वजह लाइनों में लगवा दिया और जो पेंटर वगैरह थे उनका काम भी छीन लिया और लोगों से पैसे भी ले लिए और वो फेल हो गया। किसी ने कोई माफ़ी किसी ऑफिसर ने किसी पॉलिटिशियन ने नहीं मांगी, अब दोबारा से शुरू कर दिया, कोई गारंटी नहीं कोई श्योरिटी नहीं कि इस बार आपकी गाड़ियाँ चोरी नहीं होंगी, लेकिन रूल बन गया है आपको लाइनों में लगने के लिए आप तैयार रहो, नहीं लगोगे तो चलान होंगे, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के अंदर हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि पहले तो इस कितना ज्यादा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है, दूसरा ये है कि इसकी लगाने की मंशा ठीक है, आइडिया ठीक है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन खराब है। एक बार पहले तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार और जो भी एजेंसीज हैं वो इसके अंदर फेल हो चुकी हैं, अब दोबारा से ये आई हैं और अपील सरकार से यही है कि चलो आप दोबारा लाइन में लगवा रहे हो, पैसे भी ले रहे हो, कम से कम आप ये वादा करो लोगों से कि आपकी गाड़ियाँ चोरी नहीं होंगी, क्योंकि आपका यही कहना है ना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, अगर फिर भी गाड़ियाँ चोरी होनी है फिर तो यही कहा जाएगा कि किसी ना किसी तरीके से ये सिर्फ लोगों को परेशान करने वाली स्कीम है, फ़ायदा इसका कोई नहीं। आपकी क्या राय है HSRP प्लेट्स को लेकर, आपका कोई तजुर्बा हो वो भी हमारे साथ शेयर करें, अपना फ़ोन नंबर भी शेयर करें कमेंट बॉक्स में। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करके। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें, खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।